बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिक्स दाल की रेसिपी, जो खाने में नहायत ही टेस्टी होती है। आप घर में बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगी इस दाल में। इस दाल को आप रोटी से खाएं, चावलों से खाएं, दोनों चीज़ से ही ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं। ये मूंग की दाल ली है मैंने। मूंग की दाल मैंने ली है 1/4 कप ली है, और चने की दाल भी मैंने 1/4 कप लिया है, और मसूर की दाल भी 1/4 लिया है। इन तीनों दालों को मैंने 2 घंटा पहले धोकर भिगो दिया था। और ये मैंने माश की दाल ली है। माश की दाल भी हमारी इतनी ही है जितनी ये दाल है। ये दाल को मैंने भिगोकर इसको मैंने उबाल लिया है। अभी मैं ये दाल को नहीं डालूंगी। अभी मैं ये तीनों दाल को पैन में डालकर, और इसमें मैं हल्दी पाउडर डालकर अब इसको हम गला लेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने दाल में पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। मैं 1 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। नमक अभी हम नहीं डालेंगे। अब इसके अंदर मैं 2 बड़ी इलायची डाल रही हूँ, 2 छोटी इलायची डाल रही हूँ, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इसको हम हल्की आंच पे हम इसे गला लेंगे। जब ये गल जाएगी तो इसके अंदर मैं ये जो माश की दाल है ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। व्यूअर्स, मैंने चूल्हे पे पैन चढ़ा दिया है, और इसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। और इसके अंदर मैं 1 प्याज ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये मैंने 1 ली थी प्याज, दरमियाने साइज की प्याज ली थी, इसको मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया। ये फ्राई करेंगे। ये देखेंगे, ये प्याज फ्राई हो गई है, ज़्यादा नहीं करना हमने इसे फ्राई। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टीस्पून मैंने डाला है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक ऐड करेंगे, नमक आधा चम्मच जायका डालेंगे, और इसमें मैं डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर, ये मैं 2 टीस्पून डालूंगी, और साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून, हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून लूंगी, क्योंकि दाल में भी हमने हल्दी डाली थी, और इसके साथ ही इसमें मैं ये टमाटर डालूंगी। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज, ये हम इसका मैं ऐड कर देंगे, और साथ ही गरम मसाला ऐड कर देंगे, और फिर इसको हम हल्की आंच पर रख देंगे गलने के लिए। इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, फिर कवर कर देंगे ताकि मसाले से बचेंगे प्याज और टमाटर की वजह से। ये देखें मेरा सब मसाला बन चुका है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसके अंदर मिक्स करेंगे, और इसके बाद इसको हम 10 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें अच्छा सा एक तड़का लगाएंगे। व्यूअर्स, देखिए अब ये दाल हो चुकी है। अब हम मज़ेदार सा तड़का बना। मैंने पैन ले लिया। अब इसके अंदर मैं
घी डालूंगी। आप चाहें तो देसी घी ले लें, देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन, डाला मैंने चॉप लहसुन डाला मैंने, और भी बारीक चॉप कर लीजिए, जीरा डाला, हरी मिर्च, साबुत लाल मिर्च डाली मैंने। इसको हम चलाएंगे। इसके साथ ही इसमें थोड़े से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला मैंने। अभी हमारा मसाला सब तड़का तैयार है। ये दाल मैंने निकाल लिया था। ये देखिए, ये मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। ये देखें व्यूअर्स, दाल हमारी तैयार है। देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगी। आप घर पे ज़रूर तैयार करिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अपना और अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।